फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भैरवगुड। आज है हमारा जर्नी का डे टू और अभी हुआ है मॉर्निंग के 5 o'clock, लेकिन रात भर से बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। तो देखते हैं कि आज भैरवगुड को एक्सप्लोर करना पॉसिबल है या नहीं। गुड न्यूज़ फ्रेंड्स, वैसे बारिश रुक गया है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है लेकिन ऑलमोस्ट रुक गया है बारिश। वैसे बॉर्डर एरिया है तो व्हीकल का वगैरह कुछ खास इंतज़ाम नहीं है, फिर भी एक होटल वाले को लोकल आदमी से बात करने के लिए बोला है, देखते हैं कुछ जुगाड़ हो पाता है या नहीं। हम जा रहे हैं अब भूटान बॉर्डर के पास, ये है इंडिया का गेट। इंडिया गेट से भूटान गेट के लिए करीबन 100 मीटर का वॉकिंग है जो हमें ले जाता है भूटान गेट तक। हाय फ्रेंड्स, वी आर नाउ एट बालीमुख। हम बालीमुख में हैं, तो ये सीनरी देखिए। बालामुख में हैंगिंग ब्रिज, thank you.
भैरवकुंड में, जहाँ एक छोटा सा डैम है जहाँ फिशिंग की एक्टिविटी बहुत चल रही है। लोकल्स जो है यहाँ पे फिशिंग करते हैं। यहाँ पे सेल किया जाता है। नमस्ते भाई साहब, आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम? हाँ, कोमल बसुमतारी। ये यहाँ से पकड़ा है फिश? यहाँ से, यहाँ से। क्या कितने का देते हो? ये 700 किलो। क्या? 400 किलो। 400 रुपीज़ केजी। ये एक्चुअली एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, संगम है यहाँ पे दो नदियों का। एक है जम्पानी जो भूटान से आती है और दूसरी है भार्गवी, वो अरुणाचल से आती है। ये अरुणाचल से आती है और ये भूटान से आती है, तो दोनों का यहाँ पे संगम होता है। टमटम जिसमें हमने भैरवकुंड की साइट सीइंग की। अगर भैया नहीं होते तो हमें पॉसिबल नहीं था कि साइट सीइंग कर पाए, और ऐसे वेदर में जहाँ कल रात से बारिश हो रही है। आपका नाम? संत्रोपोरो। और आपका कांटेक्ट नंबर अगर किसी को कांटेक्ट करना रहा तो? 847-893-5686। ओके फाइन, थैंक यू।